पिछले 8 साल से बीजेपी सत्ता में है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए अब लगातार बुलाया जा रहा है? क्या ये सियासत का सबसे बड़ा बदला है? आपको कुछ साल पहले लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में और एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आप वैसे पहले भी सुन चुके होंगे मगर भूल गए होंगे। मगर इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि सोनिया और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ क्यों कर रही है लगातार बार बार। मोदी सरकार में जब तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे तब तक गांधी परिवार पर कोई आंच नहीं आई। सवाल उठता है कि राजनाथ सिंह से रिश्ते मधुर हैं या बात कुछ और है। जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बने, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों के मालिक बन गए, वैसे ही गांधी परिवार के लिए तूफान आ गया। अब आप वो सुनने वाले हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा। कहा जाता है कि राजनीति में वैसे तो सभी नेताओं के कुछ ना कुछ दुश्मन बन ही जाते हैं और कुछ अच्छे दोस्त भी। अब आइए आपको बताते हैं कि गांधी परिवार में आए तूफान की वजह क्या है। ये बात है गुजरात की और उस समय कांग्रेस पूरी पावर में थी, यानी कि पावरफुल पार्टी थी। कांग्रेस की केंद्र में तूती बोलती थी क्योंकि उसकी सरकार थी और मोदी अमित शाह की जोड़ी कांग्रेस में बवाल काट रही थी। अमित शाह गृह मंत्री थे और नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद से कांग्रेस एक गलती की तलाश में थी और अमित शाह का नाम जब एक फेक एनकाउंटर में आया, मोदी और अमित शाह की सियासत को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया गया। और वो प्लान क्या था, आइए उसे भी समझते हैं। पी चिदंबरम उस वक्त देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। अमित शाह उस वक्त मोदी सरकार में गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। दो गृह मंत्रियों की लड़ाई कुल 4 लोगों में महायुद्ध में छिड़ गई। एक तरफ सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और पी चिदंबरम। दरअसल शराबुद्दीन फेक एनकाउंटर में अमित शाह का नाम आया तो पी चिदंबरम ने पूरा जोर लगाकर सोनिया गांधी के इशारे पर अमित शाह को गिरफ्तार करवा लिया था, इस तरह के आरोप लगते थे। गिरफ्तारी के बाद अमित शाह के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा आजम खान के साथ हाल ही में किया गया। उस वक्त ना तो किसी को पता था कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे और ना ही किसी को पता था कि अमित शाह मोदी सरकार में देश के गृह मंत्री बनेंगे। इसलिए कहा जाता है भैया, समय बड़ा बलवान होता है। देश की जनता कब किसको गद्दी पर बिठा दे और किसको गद्दी से हटा दे ये पता नहीं होता। इसलिए सोचिए समझिए और फिर कोई बड़ा कदम उठाइए। अब आइए जान लेते हैं पी चिदंबरम पर हुई ईडी की कार्रवाई के बारे में। कुछ साल पहले एक केस में ईडी ने पी चिदंबरम को घर में घुसकर गिरफ्तार किया था। चिदंबरम के घर की बाउंड्री लांघकर ईडी ने उनको उठा लिया था। बस साल का ही फर्क है, कभी शाह को चिदंबरम ने उठवाया तो कभी शाह ने चिदंबरम को उठवा लिया। लेकिन इस खेल में मुख्य किरदार है सोनिया गांधी, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब बारी सोनिया गांधी की है। इसलिए रिपोर्ट की शुरुआत में कहा गया कि अगर गृह मंत्री राजनाथ होते तो गांधी परिवार से ईडी सवाल ना पूछ रही होती। सोनिया गांधी के इशारे पर अमित शाह को क्या जेल में रखा गया? जब कोर्ट ने जमानत दी तब कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे वकीलों ने जज साहब को सलाह दी कि अगर अमित शाह जैसे खतरनाक इंसान गुजरात में रहेंगे तो चुनाव को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने इस बात को नोटिस में रखा और जमानत देते वक्त गुजरात में घुसने पर रोक लगा दी गई। 2 साल तक अमित शाह दिल्ली में रहे। इस बीच गुजरात में चुनाव हुआ और मोदी की सरकार फिर से बन गई। फिर अमित शाह जब गुजरात पहुंचे तो एक डायलॉग कहते हुए हाथ हिलाकर समर्थकों को इशारा किया था, कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है और आज देखिए वक्त किसका है और कौन उस वक्त के साथ खेल रहा है। सोनिया गांधी बीमार हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस शाह को कड़ी पार बना दिया था शाह उसे कैसे ईमानदार देख सकते हैं। ये कहानी इसलिए हमने आपको बताई और सुनाई ताकि आप समझ पाए कि सियासत का बदला क्या होता है। कई बार बड़े नेताओं के लिए अदालत का कटघरा बनाया जाता है। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि शाह चाहें तो सोनिया गांधी को जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। शायद सोनिया के मुंह से वो सुनना चाहते हैं कि उस वक्त आपको जेल में नहीं डालना चाहिए था और दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, ये बदले की भावना है या जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं ईमानदारी के साथ? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।